तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज मैं फिर बताने वाला हूँ M20 के बारे में। M20 कुछ बुराइयाँ करने वाला हूँ, साथ में बताऊंगा इसकी जगह आपको कौन सा फ़ोन एकदम बेहतर पड़ने वाला है। तो आज फिर हम बात करेंगे M20 के बारे में और आज फिर से पड़ेंगी गालियाँ। सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आए कि जिसमें ये लिखा गया कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, ज्यादा तेजी से बोल देता हूँ, तो आज की वीडियो में थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आज वाली वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका दोस्त राकेश। दोस्तों हम यहाँ बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M20 के बारे में। M20 बहुत ज्यादा बिका, काफी ज्यादा बिक रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे ये कमेंट करके पूछ रहे हैं ये ऑफलाइन में कब मिलेगा। मैंने इसके बारे में कई शॉप पे जाके बात करी, खुद जाके बात किया, लेकिन वहां पे वो कह रहे हैं हमें कोई अंदाजा नहीं है फोन कब तक आ पाएगा। हाँ, ब्लैक में वो लोग फोन दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेंगे आपको ब्लैक में, बाकी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अभी M20 के लेने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अभी तक जिसने ले लिया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट फोन है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, M20 अपने हिसाब से एक अच्छा फोन है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी है छोटी मोटी मिला के। और इसका रेट आपको पता ही है, 11,000 और 13,000 दो वेरियंट में मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा खर्च सकते हैं तो आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M30 को अगर आप लेते हैं तो एक बेहतर डील कर पाएंगे, बहुत अच्छी डील कर पाएंगे। अगर आपका बजट ही फिक्स है 11,000 तो ठीक है। तो अभी मैं आपको दोनों फोन के बारे में बता देता हूँ M20 में क्या क्या कमियां हैं जो M30 में दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पे सबसे बड़ी क्या दिक्कत है कि M20 में आपको TFT डिस्प्ले मिल जाती है। हालांकि इसकी जो TFT डिस्प्ले है वो थोड़ी अच्छी है, बाकियों से ब्राइट है, अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M30 ले पाएंगे तो अब तक कन्फ्यूजन थी, हो सकता है इसमें भी TFT डिस्प्ले आ जाए, लेकिन अब कन्फर्म हो चुका है कि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। तो इसमें आपको एक सुपर एमोलेड फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आप सैमसंग गैलेक्सी M30 को लें, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाकई में इसका कोई जवाब नहीं है, बेस्ट डिस्प्ले होता है। और बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 में, तो इसके बारे में जो भी पता लगा इसमें एंड्रॉयड 9 पाई मिलेगा, लेकिन M20 में आपको एंड्रॉयड 8 मिलता है। तो आज की डेट में अगर आप फोन लेते हैं तो अगर एंड्रॉयड 9 पाई वाला फोन मिल जाए तो इससे बढ़िया डील नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आपको प्रोसेसर दोनों में सेम मिल जाएगा, M20 चाहे ले चाहे M30, दोनों में ही एक्जीनोस का 7904 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, 636 के आसपास मुकाबला करता है। लेकिन अगर आप गेमिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है तो आपके लिए 660 बेटर रहता है, लेकिन ये भी अपने हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर है। तो अब बात करते हैं कैमरे के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको मिल जाता है 13+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, जिसमें किसी भी तरह का इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, चाहे वो OIS हो चाहे वो EIS हो, ये दोनों चीजें आपको उसमें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। हालांकि M20 में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अल्ट्रा वाइड वाला, लेकिन मेरे हिसाब से आपका जो इमेज स्टेबलाइजेशन वाला फीचर है वो ज्यादा यूजफुल होता है एज कंपेयर टू अल्ट्रा वाइड। अब बात करते हैं M30 की, तो इसमें आपको 13+5+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, एक 5 मेगापिक्सल का जो काम करेगा आपका डेप्थ सेंसिंग का काम करेगा, और एक काम करेगा आपका वाइड एंगल की फोटो ले पाएगा। और अगर बात करें इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन का, तो इसमें आपको पूरी उम्मीद है कि आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, क्योंकि गैलेक्सी A7 में भी 3 कैमरे का सेटअप है, उसमें आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर मिल जाता है। तो इसमें भी आपको मिल जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है यहाँ पे। तो यहाँ M30 का कैमरा बहुत अच्छा होने वाला है। और एक और चीज अगर ऐड करना चाहूं तो हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी M30 में आपको सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाए, सुपर स्लो मोशन वीडियो आप बना पाएंगे। और सुपर स्लो मोशन वीडियो के बारे में यही कहना चाहूंगा, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है ऐसी वीडियो बनाना, जैसे मुझे बहुत पसंद है। अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप सुपर स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं, किस तरीके से बढ़िया शॉट ले पाएंगे आप, उसका जो मैं आपको क्या करूंगा, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो देख लेना। तो यहां पर उम्मीद है कि यहां आपको सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर ना मिले तो हो सकता है बाद में अपडेट के साथ मिल जाए, जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी A7 में हुआ था। उसमें आपको पहले तो स्लो मोशन का फीचर मिलता था, लेकिन अपडेट आया था तो आपको सुपर स्लो मोशन का फीचर ऐड हो गया था उसमें। तो यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि प्रोसेसर तो दोनों का सेम है, लेकिन कैमरे की बात करें तो M30 का कैमरा बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। और अगर बात करें सेल्फी कैमरे की, तो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको M20 मिल जाता है, लेकिन M30 में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल पाएगा, जिससे आप बेहतरीन सेल्फी ले पाएंगे। और यहाँ अगर एक कमी की बात करें, तो अभी तक जो पता लगा आपको प्लास्टिक की ही बॉडी M30 मिलेगी, प्लास्टिक की ही बॉडी आपको M20 मिलती है। हालांकि M30 में ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको मेटल की बॉडी दे देना चाहिए था, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोगों का मानना ऐसा है कि वेट को कम करने के लिए फ़ोन को प्लास्टिक बॉडी दिया जाता है। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो प्राइस कट करने के लिए भी आपको प्लास्टिक बॉडी दी जाती है, लेकिन मेटल बॉडी जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है। और यहाँ पर अगर बैटरी की बात करें, तो सेम बैटरी मिल जाता है आपको, 5000 mAh की बैटरी आपको M30 मिल
जाएगा 5000 mAh की ही आपको M20 मिलता है। सेम आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा, सेम आपको टाइप सी USB पोर्ट मिल जाएगा दोनों में। और साथ ही में सैमसंग ने अनाउंस कर दिया है कि जो गैलेक्सी M30 होगा आपको 27 फरवरी को मिल पाएगा, ऑनलाइन मिल पाएगा। यहाँ पे ये फिर इसी के साथ यही होने वाली है दिक्कत कि आपको ऑफलाइन नहीं मिल पाएगा, और हो सकता है इस फोन को लॉन्च होने के बाद आप M20 शायद ऑफलाइन मार्केट में आपके पास आ जाएगा। जो यहाँ पे सैमसंग वालों से एक शिकायत ये किया जा सकता है कि इनके फोन ऑफलाइन शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं, ये इनकी खासियत रही है, लेकिन इस बार सैमसंग ये गलती कर रही है। क्यों कर रही है पता नहीं, क्या इनकी स्कीम है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो यहाँ पे जो कीमत है वो काफी अच्छी है, यहाँ पे इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा था दोनों फोन को। सुनने में आ रहा है कि इसकी जो कीमत है 15,000 रुपए से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अगर आप सैमसंग का फोन लेना चाहते हो और M20 लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाए, बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो आप M30 ही लेना। M30 आपको ज्यादा बेहतर मिलने वाला है, ज्यादा अच्छा होगा, कैमरा वैमरा सब उसका बढ़िया होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा सीधा सीधा ओपिनियन ये है कि M20 अगर आज की डेट में आप लेना चाहते हैं तो रुक जाएं, M30 लेना, M30 ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिल की बातों को कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।